नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस। सो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी हैड सीन एक्टिविटी 4, राइट। सो इन द एक्टिविटी 4 फाइंड इको-फ्रेंडली वर्ड्स एंड कंप्लीट आवर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न एक्टिविटी 5। इन द एक्टिविटी 5 वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5 यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस, गिवन ऑन पेज नंबर 4। व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट अवर अर्थ? हमें क्या करना चाहिए अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, जो नीचे दिया गया है टेबल उसे ऑब्जर्व करना है एंड टिक द डिजायरेबल ऑप्शन, और जो ऑप्शन दिए गए हैं येस और नो में उसमें से जो हमें लगता है सही है वो हमें टिक करना होगा। ऑल्सो मेंशन हाउ यू कुड कंट्रीब्यूट टू द बेटर अर्थ, बेटर द ह्यूमन, और ये भी लिखना होगा कि बेटर अर्थ कैसे बनेगा और बेटर अर्थ से हम कैसे बेटर बन सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है हमें पानी बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो आई थिंक वी सेव वाटर। सो हियर यस के नीचे मैंने अंडरलाइन की। अभी इन द थर्ड कॉलम इफ यस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, आप पानी बचाने के लिए क्या कर सकते हो? फर्स्ट वन इज आई विल क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग बाथिंग माई हैंड्स एंड फेस और व्हाइल बाथिंग ड्यूरिंग द टाइम ब्रशिंग वॉशिंग बाथिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी आई विल क्लोज द टैप, राइट। मैं उसे खुला ही नहीं छोड़ दूंगा, मैं उसे बंद करके के बाद बाथरूम से निकलूंगा, राइट। नंबर 2 सेव ट्री, हमें ट्रीज को सेव करना चाहिए। सो आई थिंक द आंसर इज यस। इफ यस व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? नंबर 1 I will not cut trees. Number 2, I will not let animal cut trees. मैं दूसरों को भी trees काटने नहीं दूंगा। I will plant more trees. मैं ज्यादा से ज्यादा plant उगाऊंगा। I will water the trees and plants. मैं trees और plants को watering करूंगा, right? After save trees, number 3rd is save animals and bugs. So the answer is yes. If the answer is yes, what will you do to save them? What will you do to save animals and bugs? Right. So first one is I will not hurt animals and birds. I will save any injured bird or animal. I will not cut trees which is home for birds. जो birds का घर है, जिस trees पे birds के nest लगे हुए हैं, वो tree तो मैं हरगिज cut होने नहीं दूंगा, right? I will make people aware that hunting and killing animals and birds is bad. मैं ये उन्हें बताऊंगा। Such people can be punished and put in jail. और इसमें से most of people को मैं punish करूंगा
और चेयर भी भिजवाऊंगा। सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 5 हैव कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी 5 वी विल गोइंग टू लर्न एक्टिविटी 6। हियर एक्टिविटी 6 शुरू करने से पहले हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, एनवायरमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल यानी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोशल मीन्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द पीपल मूवमेंट। एनवायरमेंट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट, राइट। इट्स गोल इज टू प्रोटेक्ट नेचर बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ नेचर इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। उसका गोल, मेन फोकस, मेन एम क्या है उसका, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना इन कॉम्बिनेशन विथ वेरियस एक्शन एंड पॉलिसीज फॉर नेचुरल प्रिजर्वेशन, यानी कि उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्शन और डिफरेंट रूल हम फॉलो कर सकते हैं। इट इज अ मूवमेंट दैट वर्क्स टुवर्ड मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड एनवायरमेंट। नॉर्मल एनवायरमेंट को हमें बैलेंस करना होगा, राइट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पैराग्राफ एक्टिविटी 6 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड रिलेट द गिवन सेंटेंसेस टू द पिक्चर। हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना होगा। ओ, इस पिक्चर के नीचे उसके बेस्ड पे उसके सेंटेंस को फाइंड आउट करना होगा, राइट। जस्टिफाई द सिलेक्शन ऑफ इच सेंटेंस फॉर इच पिक्चर इन द ग्रुप। ग्रुप में दिए गए हैं, उसमें से सिलेक्शन होगा। सो हियर 4 पिक्चर आर गिवन एंड डाउन साइड 4 सेंटेंसेस आर गिवन, राइट। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट पिक्चर इन योर स्क्रीन, यस। विच सेंटेंसेस इज सुटेबल फॉर इट, कौन सा सेंटेंस सुटेबल है। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट सेंटेंस इज सेव वॉटर सेव लाइफ। नल खुलाया गया है, राइट। सो क्या करना होगा, इसके पहले वाली एक्टिविटी में हमने लिखा था आई विल क्लोज द टैप व्हाइल बाथिंग ब्रशिंग और वॉशिंग, राइट। सो फर्स्ट आंसर होगा सेव वॉटर सेव लाइफ, पानी बचाना है। अगर आप पानी बचाओगे तो आपकी लाइफ भी बच सकती है, राइट। इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन, मेक एवरी डे अर्थ डे, हर रोज एक अर्थ डे बनाओ, राइट। सो विच सेंटेंस इज सुटेबल फॉर इट, राइट। नंबर 2, डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बिटर। कचरा हमें डस्टबिन में ही डालना होगा, राइट। जो गार्बेज है वो उठाकर नहीं डालना है, लेकिन एवरी पर्सन शुड गो एंड टेक गार्बेज इन द डस्टबिन, राइट। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, सो कचरा तो होगा ही नहीं ना, राइट। सो इन द सेकंड पिक्चर डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बेटर। अगर कचरा करोगे तो हेल्थ रिस्क हो सकता है, वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है, राइट। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट विच सेंटेंस इज सुटेबल फॉर इट, राइट। नर्टर नेचर, देखो प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होती है, नेचर नर्टर नहीं, नर्टर नेचर, राइट। नर्टर का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना, सेव करना। सो हमें अर्थ को सेव करना होगा और नेचर को भी सेव करना होगा। नेचर यानी आप देख सकते हो व्हील्स, रिवर, क्लाउड्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, राइट। सो इन थर्ड आंसर नर्टर नेचर, राइट। इन द फोर्थ पिक्चर यू कैन सी दैट इन योर स्क्रीन,
हवा होगी वो उन्हें फ्री मिल सकती है, ऑक्सीजन लेवल फ्री में मिल सकता है, राइट। सो यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो हमने क्या देखा, एक्टिविटी 5, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसके ओपिनियन हमसे लिए थे। सो आंसर हमें यस और नो में लिखना था, राइट। यस और नो में आंसर लिखने के बाद इफ यस व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी 5, वन पैराग्राफ इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। आफ्टर दैट एक्टिविटी 6, सम पिक्चर्स आर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक एंड सम सेंटेंसेस आर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, वी चूज दैट विच सेंटेंस इज सूटेबल फॉर 8। सो हियर यू कैन सी दैट यूनिट 1 रिवॉल्व अराउंड अवर्स पार्ट 3 है कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।